उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पहली बार औपचारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उनका देश खाने की भारी कमी से जूझ रहा है। उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में कहा कि लोगों के खाने की स्थिति अब तनावपूर्ण होती जा रही है। किम ने कहा कि कृषि क्षेत्र अनाज की पैदावार के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका क्योंकि पिछले साल आए तूफानों की वजह से बाढ़ आ गई। ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि देश में खाने के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। उत्तर कोरियाई समाचार एजेंसी एनके न्यूज़ के मुताबिक देश में केला प्रति किलो 3,000 रुपए में बिक रहा है। उत्तर कोरिया में संकट कोरोना महामारी की वजह से भी गंभीर हो गया क्योंकि उसने पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा बंद कर दी। इस वजह से चीन के साथ व्यापार कम हो गया। उत्तर कोरिया खाने के सामान, खाद और ईंधन के लिए चीन पर निर्भर रहता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से भी जूझ रहा है जो उसके परमाणु कार्यक्रमों की वजह से लगाए गए थे। किम जोंग उन ने देश की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी की महत्वपूर्ण सेंट्रल कमेटी की बैठक में देश में खाने की किल्लत की स्थिति पर चर्चा की जो इस सप्ताह राजधानी प्योंगयांग में शुरू हुई। उत्तर कोरिया में कृषि उत्पादन में कमी आई है मगर किम ने बैठक में कहा कि पिछले एक साल से तुलना करने पर देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। बैठक में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ संबंधों पर भी चर्चा होनी थी पर अभी उसका ब्यौरा नहीं दिया गया है। किम ने इस साल अप्रैल में भी माना था कि उनका देश कठिनाइयों से गुजर रहा है जो कि एक दुर्लभ बात समझी गई थी। उन्होंने तब अधिकारियों से कहा था कि अपनी जनता को मुश्किलों से थोड़ी सी राहत देने के लिए फिर से एक मुश्किल मार्च शुरू किया जाएगा। इस शब्द का इस्तेमाल उत्तर कोरिया में 90 के दशक में किया गया था जब देश भारी अकाल से जूझ रहा था। तब सोवियत संघ के विघटन के बाद उत्तर कोरिया को मदद मिलनी बंद हो गई थी। उस अकाल के दौर में भूखमरी से कितने लोगों की मौत हुई इसकी स्पष्ट जानकारी तो नहीं है मगर समझा जाता है कि ये संख्या 30 लाख के आसपास रही होगी। किम जोंग उन सार्वजनिक रूप से देश में खाने की कमी की बात स्वीकार करें ये बहुत ही असामान्य बात है मगर ये वही नेता हैं जो पहले ही मान चुके हैं कि उनकी आर्थिक योजनाएं नाकाम हो चुकी हैं। किम के सामने समस्या ये है कि जब उन्होंने अपने पिता से सत्ता हासिल की थी तब उन्होंने लोगों से एक संपन्न भविष्य का वादा किया था। उन्होंने उनसे कहा था कि उनके खाने की टेबल पर मांसाहारी खाना होगा और घर में बिजली, मगर ये हुआ नहीं। अब वो लोगों को ये जताना चाह रहे हैं कि उन्हें अभी और सख्ती के लिए तैयार रहना चाहिए। वो अभी जो संकट है उसे कोरोना महामारी से जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार उन्होंने पार्टी के अधिकारियों से कहा कि दुनिया भर में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब उत्तर कोरिया में जो हालात हैं और वहाँ जिस प्रकार से बाहर से आने वाली जानकारियों को रोकने की कोशिश की जाती है उससे वो ये तस्वीर दिखा सकते हैं कि मुश्किलें केवल उनके देश में ही नहीं बल्कि हर जगह हैं। उन्होंने कोरोना को हराने के प्रयासों को भी लंबी जंग का नाम दिया है। इससे ये संकेत मिलता है कि सीमा बहुत जल्दी नहीं खुलने वाली, यानी बाहर से लोगों के आने पर जारी रोक अभी लगी रहेगी। और बहुत सारी संस्थाओं को सबसे बड़ी चिंता यही है, सीमा सील होने की वजह से वहाँ खाने के सामान और दवाओं को पहुँचाना मुश्किल होता है। रोग की वजह से ज़्यादातर गैर सरकारी संस्थाओं को देश से निकलना पड़ा क्योंकि उन्हें सामान पहुंचाने और कर्मचारियों की आवाजाही में भी दिक्कत आ रही थी। उत्तर कोरिया हमेशा से कहता रहा है कि वहां सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ऐसे में उसने अपने आप को सबसे अलग थलग कर लिया है और इस बात की संभावना कम ही है कि वो मदद मांगेगा। अब आगे भी अगर वो अंतर्राष्ट्रीय सहायता से परहेज करता रहा तो हो सकता है कि उसकी कीमत वहाँ के लोगों को चुकानी पड़ेगी।